So we will just continue our topic of mesh analysis and try and finish this topic inshallah today, and also try and start the next topic, which is basically linearity and superposition. Okay, which is yet another technique to analyze circuits. Or rather, I should say it is a circuit theorem to analyze circuits. Okay, so these are basically just examples. So today, as far as this topic is concerned, mesh analysis and nodal analysis, we will just keep discussing some more examples that are in the slides. And because we've already discussed the theory as to how we should apply nodal or mesh analysis in the presence of voltage or current sources. तो जो सुपर नोड और सुपर मैश वाला जो केस है वो हमने ऑलरेडी डिटेल में डिस्कस कर लिया हुआ है, यानी उसकी जो थियोरी डिस्कस कर ली है, कुछ एग्जांपल्स भी देख लिए हैं. सो लेट्स जस्ट गो अहेड एंड डू दीज डू अ बिट मोर एग्जांपल्स. ठीक है, सो यहाँ पे हमने मैश इक्वेशंस लिखनी है. सो वी बेसिकली हैव फाइव मैशेज दैट हैव ऑलरेडी बीन आइडेंटिफाइड फॉर अस, बट इफ दे आर नॉट आइडेंटिफाइड तो वी शुड ईजिली बी एबल टू आइडेंटिफाई दैम बाई सिंपली यू नो रियलाइजिंग सॉरी. अच्छा सॉरी, जो एक मिनट ज़्यादा दे दीजिएगा मुझे. सो वी शुड ईजिली बी एबल टू आइडेंटिफाई दैट ए मैश, आई मीन हाउ मेनी मैशेज देर आर एंड वॉट आर द मैश करेंट्स दैट वी वॉन्ट टू हैव जस्ट बाई लुकिंग एट द सर्किट, बिकॉज अ मैश इज अ लूप विद इन विच देर इज नो अदर लूप. तो वी कैन ईजली सी दैट देर आर फाइव मैशेज एंड देर फॉर देर वुड बी फाइव मैश करेंट्स और फाइव वेरिएबल्स. इन अदर वर्ड्स, अल्टीमेटली वी वुड एंड अप विद फाइव इक्वेशंस इन फाइव अननोन्स. ठीक है, बिकॉज हमारा जो कैलकुलेटर है इट इज़ ओनली एबल टू सॉल्व थ्री और एट मोस्ट फोर सिमल्टेनियस इक्वेशंस. फॉर मेजॉरिटी ऑफ अस इट्स जस्ट थ्री. तो वी शुड आइडियली ट्राई एंड एलिमिनेट टू वेरिएबल्स फ्रॉम दोज फाइव इक्वेशंस इन ऑर्डर टू have three variable three equations and three unknowns. ठीक है, आई थिंक दैट्स इट. इसके अलावा कुछ पॉइंट्स जैसे पहले डिस्कस किए थे कि और मैश करंट्स जो हैं वो एंटी क्लॉक वाइज भी हो सकती हैं. हो सकता है कुछ मैश करंट्स क्लॉक वाइज हों, कुछ एंटी क्लॉक वाइज हों, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर. आप क्लॉक वाइज चलना चाहते हैं वेन अप्लाइंग के वी एल, यू कैन डू दैट. आप एंटी क्लॉक वाइज चलना चाहते हैं, यू कैन डू दैट. ठीक है, सिर्फ जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपने वो ये अंडरस्टैंड करनी है कि जब आपने एक दफ़ा मैश करंट मिसाल के तौर पे एक दफ़ा आपने आइडेंटिफाई कर ली है, तो उसकी जो डायरेक्शन है उस जिस डायरेक्शन में एंटर होगी एक रजिस्टर के थ्रू, वो जो टर्मिनल है उसको हमें पॉजिटिव कहना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू दैट करंट. ठीक है, तो ये पैसिव साइन कन्वेंशन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है. ठीक है, सो एनी वे लेट्स जस्ट गो अहेड एंड राइट आउट द इक्वेशंस. सो फॉर इंस्टेंस इफ़ यू कंसिडर द फर्स्ट मैश. ठीक है, तो इफ आई स्टार्ट हेयर, ठीक है, आई वुड राइट फाइव आई वन, बिकॉज बाय ओम्स लॉ आई वन इज एंटरिंग दिस रजिस्टर एंड आई जस्ट हैव फाइव आई वन. इसी तरह से ये जो करंट है ये इसी डायरेक्शन में एंटर हो रहा है थ्रू द टू ओम रजिस्टर. ठीक है, सो आई विल राइट टू आई वन, बट देर इज़ अ करंट दैट इज एग्जिटिंग दिस टर्मिनल एज वेल विच इज़ बेसिकली आई थ्री. सो आई शुड राइट माइनस आई थ्री. ठीक है, माइनस फोर बिकॉज ऑफ दिस वोल्टेज सोर्स. ठीक है, प्लस टू because the polarity is positive with respect to I1, because I1 enters in this direction, but there is another current that exits this terminal as well. So I1 enters and the other current that exits is I2, and the whole thing would be equal to zero. ठीक है, इसको अगर हम rearrange करें तो we have basically 5, 6, 7, 8, 9 I1. ठीक है, so 9 I1 and then I have an I2 term minus 2 I2, I have an I3 term minus 2 I3 equals 4. So this is my first equation. ठीक है, जब एक दफ़ा rearrange कर लें, you bring that equation into the general form of a linear equation, तो फिर आप उसको number दे सकते हैं 1. ठीक है, so this is this equation, this one. ये variable, ये equation, sorry, variable तो सारे हैं obviously.
एंड दिस इज़ द कॉन्स्टेंट दैट इज ऑफ कंसर्न. ठीक है, सो इसकी अगर आप मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो बड़ा सिंपल है, यू गेट बेसिकली 9i1 माइनस 2i2 माइनस 2i3 इक्वल्स 4. ठीक है, i4 और i5 के जो कोएफिशिएंट्स हैं इस पर्टिकुलर इक्वेशन में, इन द फर्स्ट इक्वेशन दे आर सिंपली 0. ठीक है, तो बेसिकली बाकी सारे लूप्स में भी इसी तरह से करना है. मिसाल के तौर पे अगर हम ऐसा कोई लूप ले लें, फॉर इंस्टेंस ये वाला ले लें जिसके बहुत सारे नेबर्स हैं, नेबरिंग मैशेज हैं, तो अगेन ये कोई इतना मुश्किल नहीं है. वी कैन स्टार्ट विद दिस रजिस्टर और इस टर्मिनल के अंदर i2 जो है वो एंटर हो रहा है. तो वी कैन राइट टू i2 बिकॉज i2 एंटर्स दिस टर्मिनल, सो इट्स गोइंग टू इंड्यूस अ पॉजिटिव पोलैरिटी. बट द करंट i1 एक्चुअली एग्जिट्स दिस टर्मिनल, सो आई शुड राइट माइनस i1. ठीक है, फिर हम आगे चलेंगे. वाइल अप्लाइंग KVL वी अराइव एट दिस सोर्स हेयर, सो वी कैन राइट प्लस 4 एंड देन वी अराइव एट दिस रजिस्टर हेयर. अगेन i2 यहाँ से एंटर हो रहा है लेकिन i3 जो है वो एग्जिट हो रहा है. सो प्लस 4, सॉरी नहीं नहीं ठीक है, ये तो 4 वोल्ट्स था. प्लस 4 i2 माइनस i3. ठीक है, सो दिस इज प्लस 4 i2 माइनस i3 प्लस, क्योंकि 1 ओम है. ठीक है, एंड i2 एंटर्स दिस टर्मिनल, सो वी विल से i2 माइनस i5. ठीक है, बिकॉज i5 एग्जिट्स दिस टर्मिनल इन दिस डायरेक्शन. ठीक है, देन वी कम टू दिस रजिस्टर और यहाँ पे क्योंकि i2 एंटर हो रहा है और क्या चीज़ एग्जिट हो रही है, i4. ठीक है, देन वी कम टू दिस पॉइंट हेयर, यहाँ से अगर हम KVL अप्लाई करते हुए इस टर्मिनल को फर्स्ट एक्सेस कर रहे हैं तो वी विल राइट माइनस 10 एंड देन वी से प्लस 2 i2, द होल थिंग इज इक्वल टू 0. तो काफ़ी लंबी चौड़ी इक्वेशन बनती है इस मैश की, बिकॉज यू नो इस मैश के साथ सारे मैशेज नेबर्स थे. ठीक है, सो वी हैव ऑल द मैश वेरिएबल्स या करंट वेरिएबल्स इन दिस इक्वेशन और इसको हम रीअरेंज कर सकते हैं. जी जी नहीं, बहरहाल अच्छा सवाल है, क्लेरिफाई कर देते हैं यहीं पे. देखें जो पहला मैश है ना उसके, बहरहाल ये तो इक्वेशन एक हो गई, इसको मैं अगर आपकी परमिशन हो तो इसको तो मैं डिस्कार्ड करता हूँ. ठीक है, अच्छा अब हम आ जाते हैं पोलैरिटी को डिस्कस करने के लिए, वोल्टेज सोर्स की पोलैरिटी को डिस्कस करने के लिए. तो जो पहला मैश है उसके लिए जब हम इक्वेशन लिख रहे हैं तो बाय द वे मैं पहले मैश में भी क्लॉकवाइज चला था, ठीक है, और दूसरे मैश में भी क्लॉकवाइज चला हूँ KVL अप्लाई करते हुए. ठीक है, ये मैं KVL अप्लाई करने की बात कर रहा हूँ, मैं मैश करंट की बात नहीं कर रहा. ठीक है, मैश करंट तो वैसे ही गिवन है कि I1 और I2 दोनों क्लॉकवाइज हैं, लेकिन आपने जब KVL लगाना है तो आपकी मर्जी है, आप जिस भी डायरेक्शन में मूव करना चाहते हैं कर सकते हैं, एज लॉन्ग एज यू अंडरस्टैंड द रूल्स. तो अज्यूम करें हम क्लॉकवाइज चल रहे हैं जो हम चले थे, तो जब क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो जब हम इस पॉइंट पे आते हैं, जाहिर बात है क्लॉकवाइज चलेंगे तो 4 वोल्ट्स का जो सोर्स है उस पे हम इस यहाँ से एंटर होंगे. ठीक है, जब यहाँ से एंटर होंगे तो माइनस 4 लिखा जाएगा क्योंकि आप एंटर हो रहे हैं नेगेटिव टर्मिनल से. ठीक है, इसी तरह से जब आप मैश 2 के अंदर मैश एनालिसिस लगाएंगे इस वाली मैश में, तो फिर क्या होगा, अगेन अगर आप क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो इस वोल्टेज सोर्स के अंदर आप कहाँ से एंटर हो रहे हैं, प्लस 4 साइड से, तो आप प्लस 4 लिखेंगे. ठीक है, इसी तरह से मैश 2 में ही जब आप एंटर होंगे माइनस 10 वोल्ट के सोर्स में तो यहाँ से एंटर होंगे, तो लिहाजा वो माइनस 10 लिखा जाएगा. तो यानी ये पूरी जो भी इक्वेशन थी इक्वल टू 0 थी, तो इस सारी कहानी को जब आप दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो वो प्लस 6 होगा. ठीक है, प्लस 10 माइनस 4 इज प्लस 6. तो ये क्वेश्चन आपका कुछ एड्रेस हुआ है? ठीक है, अच्छा अब आ जाएं मैश 3 के ऊपर. पूरी इक्वेशन लिखने मैं नहीं लिखूंगा क्योंकि कॉन्सेप्ट बड़ा सिमिलर है, लेकिन अगेन अगर आप क्लॉकवाइज चल रहे हैं, ठीक है, अज्यूमिंग दैट यू आर मूविंग क्लॉकवाइज व्हेन अप्लाइंग द किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, तो यू वुड बी एक्सेसिंग द 12 वोल्ट सोर्स. ठीक है, फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल, मतलब यहाँ से आप एंटर होंगे 12 वोल्ट सोर्स के अंदर. तो जब इसकी मैश इक्वेशन लिखेंगे तो आप प्लस 12 लिखेंगे.
सिमिलरली जब यानी इसी मैश के अंदर जब आप यूं करके आएंगे यहाँ पे, तो आप 6 वोल्ट सोर्स को कहाँ से एंटर करें, नेगेटिव टर्मिनल से. सो यू विल राइट -6, ठीक है. और जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट लेट्स जस्ट गो एंड राइट आउट द कंप्लीट इक्वेशन. फिर आप यहाँ पे आ जाएं, 4 ओम रेजिस्टर, तो यू राइट +4 एंड I3 एंटर्स एंड व्हाट एग्जिट्स, I2 एग्जिट्स. ठीक हो गया, इस टर्मिनल से I3 एंटर हो रहा है, तो इस वजह से ये टर्मिनल जो है I3 के रिस्पेक्ट से पॉजिटिव है, बट इट इज़ नेगेटिव विद रिस्पेक्ट टू I2. फिर आप क्या करेंगे, +2 और 2 में I3 एंटर हो रहा है और क्या एग्जिट हो रहा है, I1. इस टर्मिनल पे I3 एंटर हो रहा है इस वाले पे और I1 एग्जिट हो रहा है. सो I1 के हिसाब से ये टर्मिनल नेगेटिव है, I3 के हिसाब से ये पॉजिटिव है, ठीक है. +3 इस वाले रजिस्टर पे आ जाएं, इसके साथ सिर्फ एक ही मैश करंट है I3, द होल थिंग बिकम्स इक्वल टू 0, ठीक है. तो होपफुली इसके अंदर कॉन्सेप्ट दोबारा री इन्फोर्स हो गया होगा. तो अच्छा, हैविंग डिस्कस्ड दिस, थोड़ा सा ओपन माइंडेड होके सुनिएगा, क्योंकि दिस कैन पोटेंशियली कंफ्यूज यू, एंड इफ इट डज कंफ्यूज यू, तो फिर जस्ट इग्नोर व्हाट आई से. बेसिकली मैंने कहा कि हम क्लॉकवाइज भी अप्लाई कर सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज भी अप्लाई कर सकते हैं KVL. तो अज्यूम करें कि मैं KVL अप्लाई करना चाहता हूँ एंटी क्लॉकवाइज, बल्कि इसको मैं दोबारा ड्रॉ करता हूँ ये, क्योंकि इस तरह ड्रॉ करने से लगता है ये करंट है, ये करंट नहीं है. मैं आई एम जस्ट अप्लाइंग माय किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ इन एन एंटी क्लॉकवाइज फैशन. दिस इज़ व्हाट आई वांट टू डू. जो आपकी करंट है, जो आपका करंट है, वो मैश करंट I1 है, वो जो है क्लॉकवाइज ही है. बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट, मुझे मेरा दिल कह रहा है कि मैं जो ना इसको एंटी क्लॉकवाइज KVL अप्लाई करना चाहता हूँ, ठीक है. दिस इज़ व्हाट आई डू. सो बिकॉज आई एम गोइंग एंटी क्लॉकवाइज, तो आई विच टर्मिनल डू आई एनकाउंटर फर्स्ट ऑफ द 5 ओम रजिस्टर, आई एनकाउंटर दिस टर्मिनल, और इससे जो करंट है वो एग्जिट कर रहा है, I1 करंट इज एग्जिटिंग, देयरफॉर दिस टर्मिनल इज एक्चुअली नेगेटिव विद रिस्पेक्ट टू I1. लेकिन क्योंकि आई हैव एनकाउंटर्ड इट फर्स्ट व्हेन अप्लाइंग माई KVL, तो यू नो आई से -5 I1, ठीक है. फिर मैं 2 ओम रजिस्टर पे आऊँगा. अच्छा, 2 ओम रजिस्टर पे अगेन ये जो टर्मिनल है ये नेगेटिव ही है विद रिस्पेक्ट टू I1, बिकॉज यू नो I1 एग्जिट्स दैट टर्मिनल, बट I2 एंटर्स दैट टर्मिनल. तो I2 के रिलेशन से इट इज़ पॉजिटिव, तो लेट्स जस्ट से +2 -I1 -I2, ठीक है, सॉरी +I2, ठीक है. तो 2 कोएफिशिएंट हो गया, कोएफिशिएंट की तो पोलैरिटी नहीं होती, करंट की होती है. तो करंट को मैंने -I1 कहा, क्योंकि I1 एक्चुअली एग्जिट्स दिस टर्मिनल, बट I2 एंटर्स दिस टर्मिनल, देयरफॉर I2 के हिसाब से ये पॉजिटिव है. तो I1 के लिए नेगेटिव एंड I2 के लिए पॉजिटिव, ठीक है. फिर हम आगे आएंगे 4 वोल्ट सोर्स पे, और क्योंकि हम KVL लगाते हुए यहाँ से एंटर हो रहे हैं, ठीक है, तो हम सिंपली +4 लिखेंगे, माइनस नहीं लिखेंगे, क्योंकि KVL लगा रहे हैं यहाँ से एंटर हो रहे हैं. अब करंट चाहे यहाँ से एंटर हो, जहाँ से भी हो, वोल्टेज सोर्स की तो पोलैरिटी फिक्स्ड होती है, वो तो करंट नहीं डिफाइन करती, ठीक है. फिर हम इस रजिस्टर पे आ गए, +2 ओम्स, तो +2, बट द करंट I1 एग्जिट्स दिस टर्मिनल, देयरफॉर दिस वुड बी -I1, बट I3 एंटर्स द टर्मिनल, देयरफॉर वी से +I3, द होल थिंग बिकम्स इक्वल टू 0, ठीक है. इसको अगर मैं रीअरेंज करूँ इस इक्वेशन को, तो ये हो जाएगा -5I1 -2I1, बल्कि डायरेक्ट कर देता हूँ, -5 -2 -2, ठीक है, -9I1. उसके बाद I2 है आपके पास +2I2, फिर है आपके पास +2I3 equals -4. दिस इज़ योर इक्वेशन, ठीक है. इफ़ आई मल्टीप्लाई द एंटायर इक्वेशन विद -1, तो क्या मिलेगा, 9I1 -2I2 -2I3 equals +4, which is exactly the equation that we had derived previously, ठीक है. ये coefficient positive है, ये negative है, ये negative है, और ये coefficient जो on the other side of the equality है वो भी positive ही है, ठीक है. Any questions here? जी जी जी
इसको करके देख लेते हैं ताकि आपका क्वेश्चन मुझे क्लियर हो, क्योंकि आपका क्वेश्चन क्लियर नहीं है. आप कह रहे हैं कि आई वन हमें पहले से गिवन, आई वन की एग्जैक्ट डायरेक्शन स्पेसिफाइड नहीं है हमें, तो हम चाहते हैं कि आई वन को एंटी क्लॉकवाइज ले लें, और वो कर सकते हैं जैसे मैंने पहले भी बताया कि बिल्कुल कर सकते हैं. ठीक है, अब ये वाला सिनेरियो है आपके क्वेश्चन का. अब आप क्वेश्चन करें. ये डिपेंड करता है कि आप केवीएल किस डायरेक्शन में लगाना चाहते हैं. जिस तरह से अभी हमने केवीएल उसमें हम अभी क्या किया था, हमारा जो करंट स्पेसिफाइड था वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में था, और केवीएल हमने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लगाया. तो हमने क्या, हम बेसिकली कर क्या रहे थे, अपने लिए ज़िंदगी मुश्किल बना रहे थे, और कुछ भी नहीं था. क्योंकि व्हेन आई वाज राइटिंग आउट द इक्वेशन आई माई सेल्फ फेल्ट कि यार गलती के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए मैंने आपको कहा था कि कन्फ्यूजन हो सकती है तो ख्याल करना. तो मेरी जो एडवाइस है और पहले भी मैंने दी है वो ये थी कि ट्राई एंड ऑलवेज गो विद द क्लॉकवाइज करंट एंड ट्राई एंड ऑलवेज गो विद द क्लॉकवाइज डायरेक्शन व्हेन अप्लाइंग द केवीएल, ताकि काम आसान हो. लेकिन आई विल आंसर योर क्वेश्चन ताकि चीज़ मज़ीद क्लियर हो. आपका क्वेश्चन ये है कि करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है, एंड द क्वेश्चन इज़ कि अब करंट जब एंटर होगा रेजिस्टर के अंदर तो वो माइनस होगा या प्लस होगा. एक्चुअली जो क्वेश्चन है उसको कंप्लीट करने के लिए आपको ये बताना पड़ेगा कि आप केवीएल किस डायरेक्शन में लगाना चाहते हैं, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज. अगर तो केवीएल भी आप एंटी क्लॉकवाइज लगा रहे हैं, मतलब इस डायरेक्शन में, दैट इज़ द सेम डायरेक्शन एज द करंट, तो फिर ज़िंदगी आसान है, चाहे वो एंटी क्लॉकवाइज चाहे वो क्लॉकवाइज हो. कि मैश करंट की जो डायरेक्शन है और केवीएल की डायरेक्शन अगर दोनों एक साथ एक जैसी हैं तो फिर ज़िंदगी आसान है. क्यों? क्योंकि देखें अभी हमारा मैश करंट है एंटी क्लॉकवाइज, केवीएल है एंटी क्लॉकवाइज, तो करंट जब एंटर होगा 2 ओम रेजिस्टर के थ्रू इस टर्मिनल से, तो यकीनी तौर पर ये टर्मिनल पॉजिटिव होगा, क्योंकि जहां से भी करंट एंटर होता है रेजिस्टर के अंदर वो टर्मिनल पॉजिटिव होता है विद रिस्पेक्ट टू दैट करंट. ठीक है, तो आई कैन सिंपली राइट प्लस 2 आई वन, और इसी तरह से आई टू भी एंटर हो रहा है, आई टू भी उस डायरेक्शन में एंटर हो रहा है. ठीक है, ठीक हो गया. उसके बाद नहीं एंटर हो रहा है ना, नहीं इस टर्मिनल के अंदर तो दोनों आई वन भी एंटर हो रहे हैं आई टू भी एंटर हो रहा है. ठीक है, उसके बाद आई कैन राइट प्लस 4, ये वाला जो आपका वोल्टेज सोर्स था. फिर आप अगले एलिमेंट पे चलें प्लस 2. ठीक है, प्लस 2 करंट आई वन एंटर हो रहा है और आई थ्री भी एंटर हो रहा है. ठीक हो गया, उसके बाद आप चलें प्लस 5 पे, 5 के अंदर भी करंट एंटर हो रहा है इक्वल्स 0. तो अगर इस इक्वेशन को हम रीअरेंज करेंगे यू विल फाइंड कि दिस इज नॉट द सेम इक्वेशन एज द प्रीवियस इक्वेशंस वी हैव डिराइव्ड. कैन एनीबडी टेल मी द आंसर व्हाई? एग्जैक्टली, करंट चेंज हो गया है, करंट इज डिफरेंट, इट्स नॉट द सेम करंट एज बिफोर. मैग्नीट्यूड में करंट की जो वैल्यू आएगी वो बराबर होगी, एक ही होगी, लेकिन जिसका जो साइन होगा वो ऑपोजिट होगा. ठीक है, सो 2i3 = 4. तो जो पिछली इक्वेशन डिराइव की थी और जो नेक्स्ट स्लाइड पे लिखी हुई है, यहाँ पे और यहाँ पे माइनस साइन है. ठीक है, बट बिकॉज करंट की डायरेक्शन चेंज हो गई है लिहाजा obviously equation will change, obviously the value वही रहेगी, but उसकी जो सिर्फ एक negative sign है उसके साथ आ जाएगा. ठीक है, अच्छा अभी भी जो original question था ना उसको completely हमने answer नहीं किया है, हम वापस उसी question पे जाएंगे और इसी काम को हम repeat करेंगे with an anti-clockwise with a clockwise direction of applying KVL. question ये था कि current की direction हमें, हम चाहते हैं कि anti-clockwise लें, और फिर मैंने आपको ये बताया था कि नाउ यू ऑल्सो हैव टू स्पेसिफाई कि विच डायरेक्शन यू वॉन्ट टू अप्लाई केवीएल अलॉन्ग. ठीक है, तो हमने पहला जो केस किया वो था एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में केवीएल अप्लाई करना, लेकिन लेट्स अप्लाई केवीएल इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन. ठीक है, फिर से बताऊँ, जो मैश करंट की डायरेक्शन है और केवीएल अप्लाई करने की डायरेक्शन, ट्राई एंड हैव देम टू बी द सेम. ठीक है, अगर वो दोनों अपोजिट हैं तो गलती के चांसेस हो जाते हैं. ठीक है, बट एनीवे लेट्स जस्ट गो अहेड एंड डू दिस फॉर द सेक ऑफ इट, फॉर द सेक ऑफ कंप्लीटनेस. जी जी बिल्कुल ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं.
बिल्कुल ले सकते हैं, नहीं पड़ेगा। इसमें केवीएल रूल्स का कोई ताल्लुक नहीं है, आप अपनी मर्जी से जिस भी डायरेक्शन में लेना चाहें मैश करंट ले सकते हैं। दूसरी चीज़ ये कि ऑब्वियसली अगर आपने किसी एक करंट को क्लॉकवाइज लिया हुआ है और आपके जो कोई कुलीग हैं उन्होंने एंटी क्लॉकवाइज लिया हुआ है, तो दोनों के आंसर्स जो हैं वो मुख्तलिफ होंगे, ठीक है, ये भी चीज़ समझने की ज़रूरत है, ठीक है ना। मुख्तलिफ इस तरह होंगे कि सिर्फ करंट्स के साइन में फ़र्क होगा, अदरवाइज जो न्यूमेरिकली वैल्यू आएगी वो वही होगी, बराबर होगी, ठीक है। अच्छा, तो खैर, जस्ट फॉर द सेक ऑफ कम्प्लीटिंग द क्वेश्चन, कम्प्लीटिंग द आंसर टू दैट क्वेश्चन, हमने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में I1 लिया है और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में KVL अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले लेट्स स्टार्ट विद दिस एलिमेंट 2, और बिकॉज वी आर अप्लाइंग KVL इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, तो देयरफॉर हमें KVL अप्लाई करने के लिए ये डायरेक्शन पकड़ना है, ठीक है। I1 एग्जिट्स दिस टर्मिनल, तो देयरफॉर दिस टर्मिनल इज नेगेटिव विद रिस्पेक्ट टू I1, ठीक है। तो वी विल हैव टू राइट रादर, लेट मी राइट, कोएफिशिएंट को तो पॉजिटिव करते हैं ना, उसके बाद करंट खुद नेगेटिव है, ठीक है, माइनस I1 कर दें, और जो आपका I2 है वो भी नेगेटिव है बिकॉज I2 ऑल्सो एग्जिट्स दिस टर्मिनल, सो दिस टर्मिनल ऑफ दिस रेजिस्टर बिकम्स नेगेटिव विद रिस्पेक्ट टू बोथ I1 एंड I2, ठीक हो गया। तो -2 -I1 -I2, अब वो एक्चुअल I1 और I2 की वैल्यू सॉल्व करने के बाद क्या आती है, पॉजिटिव आती है नेगेटिव आती है, दैट इज गोइंग टू डिसाइड द एक्चुअल पोलैरिटी ऑफ दिस टर्म, ठीक है, वो अभी हमें उससे कंसर्न नहीं, अभी वी आर जस्ट ट्रीटिंग I1 एंड I2 एज वेरिएबल्स, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट एलिमेंट आता है वो ये है, बिकॉज वी आर प्रोसीडिंग इन एन एंटी क्लॉकवाइज फैशन इन ऑर्डर टू अप्लाई KVL, सो वी विल राइट अगेन, वी विल राइट -5 I1 बिकॉज I1 एग्जिट्स दिस टर्मिनल, दिस टर्मिनल इज, नहीं एक मिनट जरा, I1, हाँ ठीक है, दिस टर्मिनल इज नेगेटिव विद रिस्पेक्ट टू I1, सो वी राइट -5 I1। उसके बाद हम नीचे आ जाते हैं 2 ओम पे, इस वाले पे, एंड वी सी के जो I1 है वो इस टर्मिनल से एग्जिट होता है, तो दिस टर्मिनल इज नेगेटिव विद रिस्पेक्ट टू I1 एंड इट इज ऑल्सो नेगेटिव विद रिस्पेक्ट टू I3 बिकॉज I3 ऑल्सो एग्जिट्स दिस टर्मिनल, सो वी से -I3, ठीक है। एंड लास्टली वी विल कम टू दिस वोल्टेज सोर्स, वोल्टेज सोर्स इज ऑलवेज एन ईजी केस बिकॉज उसकी जो पोलैरिटी आप पहले एनकाउंटर करेंगे आपने सिंपली वही पोलैरिटी कॉपी करनी है जो इस केस में -4 है -0, ठीक है। सो दिस इज ए अगेन येट अनदर डिफरेंट इक्वेशन दैट वी गेट सिंपली बिकॉज वी हैव चोजन द करंट इन द एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन एंड द KVL टू बी अप्लाइड इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। एनी वे जो इक्वेशन है वो डिपेंड करती है करंट के ऊपर, तो बिल्कुल एग्जैक्टली जो पिछली इक्वेशन थी वही ये इक्वेशन भी है, ठीक है। हाँ जी, अगेन थोड़ा सा क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट नहीं है, इसके अंदर बहुत सारे इसका एग्जैक्ट कॉन्टेक्स्ट क्या है वो क्योंकि क्लियर नहीं है, तो जैसे मैं, लेकिन जो मुझे समझ में आती है वो मैं आपको बताता हूँ, बेसिकली मुझे आपके क्वेश्चन से जो समझ में आई। जो क्वेश्चन है ना वो कुछ इस तरह है कि पावर रिलीज या एब्जॉर्ब कैसे पता चलेगा बाय लुकिंग एट द करंट्स डायरेक्शन। तो उसके बारे में मैं ये कह सकता हूँ कि अज्यूम करें कि आप अभी यही वाला सिनेरियो अज्यूम कर लेते हैं जिसके अंदर हमारे पास मैश करंट I1 जो है वो क्लॉकवाइज है, ठीक है। अब हम कहते हैं कि जब हम मिसाल के तौर पे KVL अप्लाई करते हैं और हम इस वी एनकाउंटर दिस एलिमेंट, तो वी विल राइट 5 I1 बिकॉज I1 इज एंटरिंग दिस टर्मिनल, तो वी आर अप्लाइंग फॉर, अज्यूम करें वी आर अप्लाइंग KVL इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन, सो वी से 5 I1 एंड वी से कि दिस टर्मिनल इज द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द रजिस्टर एंड देन वी मूव ऑन, वी राइट द कम्प्लीट इक्वेशन। नाउ वी स्टिल डोंट नो कि I1 जो है उसकी वैल्यू है क्या। अज्यूम करें कि I1 की आप इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करें, यू कम टू द कंक्लूजन कि I1 इज -5 एम्पियर्स, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि एक्चुअल जो डायरेक्शन थी I1 की
वो तो ये थी, ठीक है। इसका मतलब जो 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 ये टर्मिनल है ये एक्चुअली तो नेगेटिव होना चाहिए, क्यों? क्योंकि 5i1 हमने लिखा तो था, प्लस 5i1 अपनी तरफ से तो प्लस 5i1 लिखा था, लेकिन i1 क्योंकि माइनस 5 है तो एक्चुअली दिस इज -25। द वोल्टेज ड्रॉप्ड अक्रॉस दिस रेजिस्टर इफ यू अप्लाई द पॉजिटिव प्रोब हेयर एंड द नेगेटिव प्रोब हेयर इज गोइंग टू बी -25। इन अदर वर्ड्स आप ऑपोजिट डायरेक्शन में पोलैरिटी चेक कर रहे हैं। तो होपफुली ये जो पॉइंट अभी मैंने डिस्कस किया, ये होपफुली ये समझ में आई, क्योंकि दिस इज देन रिलेटेड टू योर क्वेश्चन विच इज़ कि हमें ये कैसे पता चलेगा कि पावर एब्जॉर्ब हुआ, पावर रिलीज हुआ। द आंसर इज के यू विल ओनली कम टू नो दैट आफ्टर यू हैव कम्प्लीटली और फुली सॉल्व द प्रॉब्लम और एनालाइज द सर्किट एंड यू ऑलरेडी हैव वैल्यूज ऑफ द करेंट्स और वोल्टेजेस ऑफ ईच ब्रांच, तभी आप किसी एक ब्रांच का पावर हमें बता सकते हैं। जस्ट बाय लुकिंग एट द वेरिएबल या उसकी डायरेक्शन जो हमने पहले अज्यूम की है, उससे हमें नहीं पता कि पावर एब्जॉर्ब हो रहा है या रिलीज हो रहा है, ठीक है। एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरी ये चीज़ हुई कि अगर आप रेजिस्टर की बात करते हैं तो ऑब्वियसली हमेशा पावर एब्जॉर्ब ही होगा, ठीक है। अगर -25 वोल्ट इस रेजिस्टर के अक्रॉस अपीयर हो रहा है तो इसका सिर्फ ये मतलब है कि करंट इज एक्चुअली इन दिस डायरेक्शन, इज फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन। बस इसका मतलब ये नहीं है कि ये पावर रिलीज कर रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि करंट इज इन द ऑपोजिट डायरेक्शन एंड बिकॉज रेजिस्टर इज अ पैसिव डिवाइस इट ऑलवेज हैज टू एब्जॉर्ब पावर, एक चीज। दूसरी चीज ये यही यही बात हम वोल्टेज सोर्स की कर लेते हैं। अब वोल्टेज सोर्स के केस में दोनों चीजें हो सकती हैं, इट कुड बी रिलीजिंग पावर, इट कुड बी एब्जॉर्बिंग पावर। एब्जॉर्बिंग कब होता है? जब वो मिसाल के तौर पर एक रिचार्जेबल बैटरी है, देन इट इज एब्जॉर्बिंग पावर। तो जब पॉजिटिव टर्मिनल से एग्जिट होगा करंट तो इट्स गोइंग टू रिलीज पावर, और जब पॉजिटिव टर्मिनल के अंदर एंटर होगा करंट तो इट्स गोइंग टू एब्जॉर्ब पावर। लेकिन एक्चुअली हमने, ठीक है, अगेन हमने आई वन की डायरेक्शन तो बता दीजिए क्लॉकवाइज है, एंड सीमिंगली इट्स एंटरिंग द नेगेटिव टर्मिनल एंड एग्जिटिंग द पॉजिटिव टर्मिनल, जो बज़ाहिर लग रहा है कि इट्स रिलीजिंग पावर। लेकिन अगेन अज्यूम करें कि आई वन की फाइनल वैल्यू आती है -5 एम्पीयर्स, इसका मतलब तो ये हुआ कि ये जो वोल्टेज सोर्स था इट इज़ एक्चुअली रिलीजिंग पावर, क्योंकि करंट की डायरेक्शन ऑपोजिट है। तो करंट एंटर्स द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ दिस वोल्टेज सोर्स, देयरफॉर इट इज बेसिकली चार्जिंग द वोल्टेज सोर्स एंड द वोल्टेज सोर्स इज एक्चुअली एब्जॉर्बिंग पावर, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन होपफुली मैंने सॉल्व आंसर किया। ठीक है, ओके। सो बेसिकली ओके, दिस इज ए टॉपिक जिसके अंदर हम ये डिस्कस करते हैं कि जी व्हेन डू वी अप्लाई नोडल एंड व्हेन डू वी अप्लाई मैश एनालिसिस, उसके ऊपर थोड़ी सी एक डिस्कशन है। सो बोथ नोडल एंड मैश एनालिसिस प्रोवाइड ए सिस्टमेटिक और प्रिंसिपल्ड वे ऑफ एनालाइजिंग ए कॉम्प्लेक्स नेटवर्क, ठीक है। जिसने पहले भी बताया था कि KVL और KCL तो हमने बहुत पहले पढ़े थे, यानी एट द वेरी स्टार्ट ऑफ दिस कोर्स भी पढ़े, और इनफैक्ट आप लोगों ने पहले भी पढ़े इन योर सेकेंड ईयर फिजिक्स या ए लेवल फिजिक्स। लेकिन व्हेन वी डिस्कस नोडल एंड मैश एनालिसिस, दिस इज वेयर वी बेसिकली यू नो डिस्कस ए प्रिंसिपल्ड अप्रोच, एन एलिगेंट अप्रोच टू अप्लाई दीज टेक्निक्स, ठीक है। अदरवाइज हम बाय इंस्पेक्शन चल रहे होते हैं, मतलब एक क्वांटिटी फाइंड की, उसको प्लग इन किया, दूसरी क्वांटिटी फाइंड की, उसको प्लग इन किया, तीसरी क्वांटिटी फाइंड की। यहाँ पे ये है कि वी सिमल्टेनियसली ट्राई एंड जॉइंटली फाइंड आउट द वैल्यूज फॉर डिफरेंट वेरिएबल्स, ठीक है। एंड देयरफॉर इट इज अ मोर एलिगेंट अप्रोच। सो चॉइस ऑफ द बेटर मेथड इज डिक्टेटेड बाय टू फैक्टर्स, द फर्स्ट फैक्टर बीइंग द नेचर ऑफ द पर्टिकुलर नेटवर्क, ठीक है। द की इज टू सेलेक्ट द मेथड दैट रिजल्ट्स इन द स्मॉलर नंबर ऑफ इक्वेशंस। तो इसमें एक ऑब्वियस टेक अवे तो ये है कि जी इफ इट्स अ नॉन प्लेनर सर्किट वी हैव टू गो विद नोडल एनालिसिस। बाय द वे नॉन प्लेनर सर्किट्स हमने ना कभी इस कोर्स के अंदर किए हैं एंड प्रोबेबली वी वोंट डू देम, ठीक है। बट इफ द नंबर ऑफ मैशेज इज लेस देन द नंबर ऑफ नोड्स वी गो विद मैश एनालिसिस एंड वाइस वर्सा, ठीक है। इसका जो एक क्लासिक एग्जाम्पल है वो है जो मैंने आपके साथ किया था व्हेन वी वर स्टार्टिंग आउट विद दिस टॉपिक, ठीक है। इनफैक्ट स्पेसिफिकली उसका मैं आपको जो है वो प्रॉब्लम नंबर बता देता हूँ, इट्स हियर समवेयर, बेसिकली 3.24 एंड 3.25, ठीक है। स्पेसिफिकली 3.24 को मैंने सॉल्व किया था आपके साथ, इट वाज अ नोडल एनालिसिस एंड वी एंडेड अप विद फाइव डिफरेंट इक्वेशंस बिकॉज देयर वर फाइव नोड्स,
ठीक है, ये रिकॉर्ड हुआ है, यू कैन ऑलवेज यू नो रिव्यू. और लास्ट वीक का लेक्चर है बेसिकली मंडे का. उसके बाद हमने उसी प्रॉब्लम को मैश एनालिसिस से किया था एंड वी फाउंड कि उसके अंदर तो सिर्फ दो मैशेज हैं. तो वुड यू प्रेफर टू एंड अप विद टू इक्वेशंस इन टू अननोन्स और वुड यू प्रेफर टू एंड अप विद फाइव इक्वेशंस इन फाइव अननोन्स? ऑब्वियसली द आंसर इज ऑब्वियस. ठीक है, सो इसी तरह से यही पॉइंट है बेसिकली जो इस यू नो इस स्लाइड के ऊपर डिस्कस हुआ है. ठीक है, एंड ऑब्वियसली द सेकंड फैक्टर इज व्हाट इज द इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड. इफ वोल्टेजेस आर रिक्वायर्ड वी माइट जस्ट डू नोडल एनालिसिस. ठीक है, अगेन अगर कन्वीनियंट है तो वी माइट जस्ट डू नोडल एनालिसिस, अदरवाइज मैश करके वोल्टेज निकाल लेंगे ओम्स लॉ लगा के. बट इफ वोल्टेज इज रिक्वायर्ड देन इंस्टेड ऑफ यू नो गोइंग थ्रू द हैसल ऑफ डूइंग मैश एनालिसिस एंड देन अप्लाइंग नोडल ओम्स लॉ अगेन to find the voltages, let's just go ahead and do nodal analysis in order to directly find voltages. Anyway, so these are the different factors that you have. ये कुछ examples हैं, and you know, let's just look at some of these examples and then we will be able to wind up this lecture. और टॉपिक rather I should say, which is mesh analysis and nodal analysis. ठीक है, तो यहाँ पे we have four nodes, 1, 2, 3, 4, they have already been identified for us. थोड़ा सा गौर कर लें सर्किट के ऊपर, there are no other nodes that we can identify besides these nodes that have already been identified for us. मेरी आवाज़ इसलिए कट गई है कि मैंने बोलना रुक गया था. एनीवे, सो जी नहीं, आपको आप बिल्कुल कैलकुलेटर के थ्रू कर सकते हैं. आपको मैट्रिक्स मैथमेटिक्स करके इक्वेशंस को सॉल्व करना या क्रैमर्स रूल का आना लाजमी नहीं है. ठीक है, क्योंकि ये जो कोर्स है दिस इज़ बेसिकली अ कोर्स ऑन सर्किट एनालिसिस एंड नॉट मैथमेटिक्स. तो जो मैथमेटिकल टेक्निक्स हैं उसको हमने एग्जामिन नहीं करना, लिहाजा जो कैलकुलेटर अलाउ करता है 3 या 4 equations, that is fine, आप उसको कर सकते हैं. लेकिन if you end up with 5 equations and 5 unknowns, तो फिर elimination method आपको आना चाहिए and so on and so forth. ठीक है, तो आप बिल्कुल calculator use कर सकते हैं. ठीक है, अच्छा खैर, so अब ये जो एक you know problem है, इसके अंदर कहीं भी कोई voltage source नहीं है. ठीक है, तो किसी एक reference और non-reference node, ये reference है और ये non-reference है, इन दोनों के बीच में भी कोई वोल्टेज सोर्स नहीं है और ना ही किसी दो नॉन रेफरेंस नोड्स के बीच में जो है कोई वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है. तो इसके अंदर कोई सुपर नोड का केस बनता नहीं है. तो इट्स अ वेरी इजी एग्जांपल ऑफ नोडल एनालिसिस. ठीक है, तो इट्स वेरी इजी टू अप्लाई नोडल एनालिसिस. एंड अगर इसके अंदर मैश एनालिसिस लगाने जाएँ तो इसके अंदर बहुत सारे मैशेज हैं. ठीक है, कुछ मैश करंट्स जो हैं, मिसाल के तौर पे अगर मैं बोलूं ये I1 है और अगर मैं बोलूं ये I5 है एंड इफ दिस इज टेकन टू बी I7, तो इट्स वेरी इजी. वी कैन से I1 इज यू नो इक्वल टू 3 amperes, I5 इज बेसिकली इक्वल टू -4 amperes एंड I7 इज इक्वल टू 2 amperes. तो ये तो बड़ा यानी तीन वैल्यूज तो आपको मिल जाती हैं ईजिली. लेकिन इवन बिसाइड्स दैट यू विल स्टिल हैव टू डील विद मैशेज 2, 3, 4 एंड 6. ठीक है, एंड नॉट ओनली दैट, यू विल ऑल्सो हैव टू डिप्लॉय सुपर मैश एनालिसिस फॉर दिस दिस I5 -4 क्यों आया है? I5 -4 इसलिए आया है कि I5 की डायरेक्शन यू है. अगर आप I5 को क्लॉकवाइज लेते हैं तो डायरेक्शन इज ऑपोजिट टू द 4 एम्पियर सोर्स. ठीक है, तो एक तो ये हो गया कि यू हैव टू सॉल्व, बिल्कुल हमने क्लॉकवाइज करंट्स लिए हैं सारे के सारे मैश करंट्स.
एंड जब हमने क्लॉकवाइज करंट्स लिए हैं तो क्लियरली आई फाइव इज इक्वल टू माइनस फोर एम्पियर्स। आप अगर चाहते हैं एंटी क्लॉकवाइज लेना, एंटी क्लॉकवाइज ले लें, ठीक है। लेकिन जाहिर बात है जो हमने पिछली डिस्कशन की है कि अगर आप एंटी क्लॉकवाइज करंट लेते हैं तो ट्राई एंड अप्लाई केवीएल इन एन एंटी क्लॉकवाइज फैशन, अदरवाइज गलती हो सकती है। यू कैन स्टिल अप्लाई इट इन ए क्लॉकवाइज फैशन, लेकिन ख्याल रखें। दूसरी चीज़, पैसिव साइन कन्वेंशन का ख्याल रखें। ये सारी चीज़ें आप करेंगे तो इंशाल्लाह कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर आप क्लॉकवाइज लें, एंटी क्लॉकवाइज लें, कोई मसला नहीं है। अच्छा खैर, कमिंग बैक टू द मेन पॉइंट ऑन दिस स्लाइड इज दैट कि अगर आप नोडल एनालिसिस अप्लाई करते हैं तो यू हैव टू डील विद फोर वेरिएबल्स। अगर आप मैश एनालिसिस अप्लाई करते हैं तो यू हैव टू डील विद सेवन वेरिएबल्स एज वेल एज ए सुपर मैश। तो मैश एनालिसिस इज स्लाइटली कॉम्प्लिकेटेड इन दिस पर्टिकुलर सिनारियो, नोडल एनालिसिस इज मच ईजियर, ठीक है। तो नोडल एनालिसिस के लिए मिसाल के तौर पे हम नोड वन के ऊपर अगर इक्वेशन अप्लाई करना चाहें, नोड वन के ऊपर क्या बनेगी, दिस इज बेसिकली वी वन ओवर टेन प्लस वी वन माइनस वी टू डिवाइडेड बाई फाइव माइनस थ्री इक्वल्स ज़ीरो। इसी तरह से नोड टू के लिए अगर हम लिखना चाहें तो वी गेट वी टू माइनस वी वन अपॉन फाइव प्लस वी टू माइनस वी थ्री अपॉन एट प्लस वन इक्वल्स ज़ीरो। अगर हम नोड थ्री पे अप्लाई करना चाहें, ठीक है, अगेन बहुत सिंपल सा केस है, वी थ्री डिवाइडेड बाय प्लस वी थ्री माइनस वी टू डिवाइडेड बाय एट प्लस वी थ्री माइनस वी फोर डिवाइडेड बाय एट इक्वल्स ज़ीरो। अगर हम नोड फोर पे अप्लाई करना चाहें, जी जी बिल्कुल बिल्कुल होगा, मैं गलती कर गया हूँ। नोड टू के ऊपर आपके पास मैंने एक ये ब्रांच ली, एक ये ब्रांच ली और एक ये ब्रांच ली, एडिशनली आपके पास दो और ब्रांचेस हैं, बिल्कुल ठीक है। प्लस वी टू माइनस वी फोर डिवाइडेड बाई वन प्लस टू इक्वल्स ज़ीरो, क्योंकि ये ब्रांच भी है और ये ब्रांच भी, बिल्कुल ठीक है। यही चीज़ नोड फोर के लिए भी ख्याल रखना है, वी फोर डिवाइडेड बाई टू प्लस वी फोर माइनस वी थ्री डिवाइडेड बाई एट प्लस वी फोर माइनस वी टू डिवाइडेड बाई वन। उसके बाद दो करंट्स एंटर हो रहे हैं तो वी कैन राइट माइनस टू माइनस फोर इक्वल्स ज़ीरो, ठीक है। तो ये चार नोड इक्वेशंस बनेंगी। इसके अंदर ये है कि आपको फ्रैक्शनल वैल्यूज़ मिलेंगी, उनको जाहिर बात है हमें हैंडल करना पड़ेगा और कोई एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना पड़ेगा इफ़ योर कैलकुलेटर हैंडल्स थ्री इक्वेशंस इन थ्री अननोन्स। अगर आपका कैलकुलेटर इज एबल टू हैंडल फोर इक्वेशंस इन फोर अननोन्स तो फिर आप सिमल्टेनियसली सॉल्व करके यू कैन कम अप विद द फाइनल सॉल्यूशन। इफ़ यू आस्क मी पर्सनली, शायद आई वुड हैव गॉन विद मैश एनालिसिस, सिंपली बिकॉज ये नोडल एनालिसिस में जो एक फ्रैक्शनल वैल्यूज का एक काम है, इट्स क्वाइट अ बिट ऑफ वर्क। तो लुकिंग एट द प्रॉब्लम, लुकिंग एट द नोडल इक्वेशंस, एनालाइजिंग इट इन द टर्म्स ऑफ मैश एनालिसिस, आई थिंक मैश एनालिसिस इवन दो सेवन वेरिएबल्स हैं लेकिन उसमें से तीन वेरिएबल्स इमीडिएटली आपको मिल जाते हैं, तो पीछे चार रह जाते हैं। सुपर मैश इतना कोई मुश्किल दिख नहीं रहा, तो आई थिंक इट्स फाइन, आई वुड हैव गॉन विद मैश एनालिसिस, बट अगेन इट हैज़ टू डू विद पर्सनल प्रेफरेंस एज वेल। तो यहाँ पे कुछ हद तक इन्होंने सॉल्व किया हुआ है, जो हमने नोडल इक्वेशंस बनाई थी वही ये इक्वेशंस हैं, दीज आर फोर इक्वेशंस इन फोर अननोन्स, इनको सब्सिक्वेंटली आप सिमल्टेनियसली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। दिस इज़ अनदर एग्जांपल जिसके अंदर जी जी नहीं बिल्कुल नोड वोल्टेजेस फाइंड किए जा सकते हैं, क्योंकि देखें आपको अगर मिसाल के तौर पे I1 मिलता है और I2 मिल जाता है, अज्यूम करें I1 और I2 हमें पता है, I1 तो खैर ऑलरेडी इट्स क्वाइट क्लियर, I1 इज़ बेसिकली 3 एम्पियर्स, इसी तरह से I2 भी कंप्यूट हो सकता है। तो जो 10 ओम का रेजिस्टर है, ठीक है, जो उसका जो ब्रांच वोल्टेज है, ठीक है, उसको अगर मैं यूं करके डिनोट करना चाहूँ, वी टेन ओम ब्रांच वोल्टेज को इस तरह से डिनोट कर रहा हूँ, तो वो क्या है, इट्स क्लियरली बाय ओम्स लॉ 10 इनटू, अगर मैं इसको
बेसिकली अगर मैं मेजर करना चाह रहा हूँ विद माई पॉजिटिव प्रोब ऑफ द डी एम एम राइट हेयर, तो फिर आई विल से आई वन माइनस आई टू बिकॉज आई वन एंटर्स दिस टर्मिनल, तो दिस टर्मिनल इज पॉजिटिव विद रिस्पेक्ट टू आई वन. तो दिस इज बेसिकली माई ब्रांच वोल्टेज एंड दिस इज द सेम एज वी वन. ठीक है, दिस नोड इट्स दिस ब्रांच वोल्टेज इज द सेम एज द नोड वोल्टेज. ठीक है, इसी तरह से इस नोड वोल्टेज को भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं किसी ना किसी तरीके से. इसको भी मैं आपको बताता हूँ किस तरह करेंगे. इफ़ यू नो द वोल्टेज वी वन, ठीक है, एंड इफ़ यू नो द करंट थ्रू दिस ब्रांच, ठीक है, तो इस ब्रांच का वोल्टेज आपको पता चल जाएगा. ठीक है, तो यू कैन सिंपली से वी टू इज वी वन माइनस वी फाइव ओम. ठीक है, अच्छा एक मिनट दीजिएगा, मैं खुद सोच रहा हूँ कि ये मैंने ठीक लिखा या नहीं लिखा. आई थिंक मैंने ठीक लिखा है. हाँ ठीक है, क्योंकि देखें वी फाइव ओम रेजिस्टर जो है, जो फाइव ओम रेजिस्टर है, इसका जो ब्रांच वोल्टेज है, अगर आपका पॉजिटिव प्रोब यहाँ पे रखना चाहते हैं और नेगेटिव यहाँ रखना चाहते हैं, तो यू वुड से वी वन माइनस वी टू, राइट. तो वी टू वुड बी वी वन माइनस वी फाइव, राइट, माइनस वी वन प्लस वी फाइव ओम प्लस वी टू इक्वल्स जीरो. ठीक है, एक और तरीका इसको देखने का ये है कि होपफुली ये चीज़ अगर आपको समझ में आ गई, एक और तरीके से भी इसको हम देख सकते हैं बाय अप्लाइंग केवीएल. बेसिकली इफ यू अप्लाई केवीएल इन दिस डायरेक्शन, ठीक है, केवीएल अप्लाई कर रहे हैं, तो अगर आप वी वन की बात करें, ठीक है, जो वी वन वोल्टेज है, तो द वे इट्स रिटन, इसका मतलब ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल है, क्योंकि दिस इज द नोड वोल्टेज. दिस इज बेसिकली वी वन इज द वोल्टेज एट दैट नोड विद रिस्पेक्ट टू द रेफरेंस नोड. ठीक है, ये रेफरेंस पॉइंट है. तो अगर आप रेफरेंस पॉइंट से स्टार्ट करेंगे केवीएल अप्लाई करना, तो यू विल ऑब्वियसली से माइनस वी वन. ठीक है, बिकॉज यू आर गोइंग फ्रॉम ए लोअर पोटेंशियल टू अ हायर पोटेंशियल. ठीक है, सो माइनस वी वन प्लस द वोल्टेज अक्रॉस द फाइव ओम रेजिस्टर इज दिस. ठीक है, और फिर नीचे वापस आएंगे केवीएल कंप्लीट करने के लिए, तो यू विल से प्लस वी टू बिकॉज वी टू इज द नोड वोल्टेज एट दिस टर्मिनल विद रिस्पेक्ट टू द रेफरेंस टर्मिनल. ये टर्मिनल पॉजिटिव है वी टू के लिए और ये टर्मिनल नेगेटिव है, सो प्लस वी टू इक्वल जीरो. इससे भी वही बात निकलती है, हम क्या फाइंड करना चाह रहे हैं, वी टू इज बेसिकली इक्वल टू वी वन माइनस वी फाइव ओम. ठीक है, तो आप बेसिकली नोड वोल्टेज को बिल्कुल कंप्यूट कर सकते हैं इफ़ यू हैव द करंट्स, इफ़ यू हैव द मैश करंट्स. तो हैविंग सेड दैट, एक क्वेश्चन अभी किसी ने पूछा था. वी टू और वी फोर के लिए वन ओम का क्या सीन है, व्हाट, सॉरी. नहीं, इसके अक्रॉस अलग नोड नहीं लेंगे. उसकी वजह ये है कि ये वही नोड है बेसिकली, ये पूरा का पूरा जो नोड है, ये सारा का सारा नोड, ये सारा का सारा नोड जो है ना, ये सारा का सारा ये वी टू है. ये एक सिंपल पीस ऑफ वायर है. ये सारा का सारा जो नोड है ये वी फोर है, क्योंकि यहाँ तक चले जाते हैं. ऑल दिस इज नोड फोर. ठीक है, यही क्वेश्चन है आपका. ओके, अच्छा जी, फाइंड द नोड वोल्टेज इन दिस सर्किट. अच्छा, ये जो सर्किट है इट्स अ फोर मैश सर्किट, एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आपने मैश एनालिसिस करना है, आई सपोज दैट वुड बी ईजी बिकॉज यू नो
एक जो करंट सोर्स है उसकी वजह से एक सुपर मैश ठीक है ज़रूर बनेगा, बट अगर आप मैश एनालिसिस नहीं करते हैं तो यू विल हैव टू गो विथ टू सुपर नोड्स, ठीक है. बट जिस तरह स्लाइड्स में इन्होंने सॉल्व किया है, लेट्स जस्ट गो अलॉन्ग विद देम एंड ट्राई एंड सॉल्व इट यूजिंग सुपर नोड नोडल एनालिसिस. ठीक है, कोई मसला नहीं है, अगर दो सुपर नोड्स हैं तो क्या हुआ. लेकिन ये चीज़ समझनी ज़रूरी है कि कौन सा ईजियर केस है. मैश के केस में आपको एक सुपर मैश मिलेगा, नोडल के केस में आपको जो है वो दो सुपर नोड्स मिल रहे हैं. तो बस ये चीज़ आपको जहन में होनी चाहिए कि विच यू शुड बी एबल टू आइडेंटिफाई विच यू नो विच एनालिसिस टेक्निक वुड बी ईजियर. ठीक है, अच्छा, फोर नोड्स हैं, दो दो जो हैं वो सुपर नोड्स बनाते हैं, तो यू एंड अप विथ टू सुपर नोड्स जिनके अंदर अपना एक KVL इक्वेशन भी है. ठीक है, सो इफ यू टॉक अबाउट सुपर नोड 1, 2, इसकी एनालिसिस अगर हम करने बैठें तो यू वुड से V1 अपॉन 2 ओम्स प्लस V1 माइनस V4 अपॉन 3 ओम्स. ठीक हो गया. जो थर्ड ब्रांच है वो ये, जो यानी KCL हम अप्लाई कर रहे हैं नोड 1 पे, तो ये करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, तो इसको हम इग्नोर करेंगे क्योंकि सुपर नोड नोडल एनालिसिस कर रहे हैं. बिकॉज दूसरी जानब जब हम V2 पे जाएंगे तो वो करंट भी हम इग्नोर करेंगे, बेसिकली दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करते हैं. ठीक है, तो V2 माइनस V3 डिवाइडेड बाई 6 एंड माइनस 10 इक्वल्स 0, बिकॉज माइनस 10 इज एक्सिटिंग द नोड इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. ठीक है, तो नोड 2 की भी एनालिसिस हमने कर ली, नोड 1 की भी कर ली, बेसिकली हमने सुपर नोड 1, 2 को कवर कर लिया है. तो एक इक्वेशन सुपर नोड 1, 2 के लिए हमें यहाँ से मिलेगी एंड वी नीड अनदर इक्वेशन. ठीक है, वो कहाँ से मिलेगा, बड़ा सिंपल है, V1 माइनस V2 इक्वल्स 20, बिकॉज देर इज अ 20 वोल्ट सोर्स हेयर विद द पॉजिटिव टर्मिनल एट V1 एंड द नेगेटिव टर्मिनल एट V2. ठीक है, तो वो यही एनालिसिस इन्होंने यहाँ भी की हुई है. नोडल एनालिसिस में बस ये है कि आपको फ्रैक्शनल वैल्यूज के साथ डील करना पड़ता है, तो 1/6 का एक कोएफिशिएंट है जो V3 से भी मल्टीप्लाई होगा, V2 से भी मल्टीप्लाई होगा. सिमिलरली 0.33 जो है वो V1 से मल्टीप्लाई होगा, V4 से मल्टीप्लाई होगा, और 0.5 जो है वो V1 से मल्टीप्लाई होगा. बहरहाल इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू कैन ऑलवेज रीअरेंज द इक्वेशन. आपको एक स्टैंडर्ड फॉर्म में जो है वो इक्वेशन मिल जाएगी इन दिस फॉर्म. सो इस फॉर्म में आपको इक्वेशन को लेकर आना है, वो हमें मिल जाएगा, जब आ जाएगी तो हम उसको 1 कह देंगे. दूसरी जो इक्वेशन हमें मिल रही है इस सुपर नोड से वो ये है. ठीक है, तो इस तरह से सुपर नोड 1, 2 को वी कैन ईजिली एनालाइज. देन वी हैव सुपर नोड 3, 4. अगेन सुपर नोड नोडल एनालिसिस है, तो वी अज्यूम के जो बीच में जो वोल्टेज सोर्स है वो बिल्कुल गायब हो गया हुआ है एंड नोड्स 3 और 4 आर द सेम. ठीक है, सो नोड्स 3 और 4 के ऊपर बड़ा ईजी है. ठीक है, V3 डिवाइडेड बाई 4 प्लस V3 माइनस V2 डिवाइडेड बाई 6. तो ये V3 डिवाइड बाई 4 प्लस V3 माइनस V2 डिवाइड बाई 6 प्लस V4 डिवाइडेड बाई 1. ठीक है, V4 डिवाइड बाई 1 प्लस V4 माइनस V1 डिवाइडेड बाई 3. तो अगर उसको दूसरी तरफ लेके जाएं तो ये फॉर सम रीज़न इन्होंने पता नहीं क्यों इस तरह किया हुआ, बट एनी वे इसको इस तरफ भी लिखा जा सकता था प्लस V4 माइनस V1 डिवाइडेड बाई 3 करके. और जो एक दूसरी इक्वेशन यहाँ से निकलनी है वो ये है, इसको इसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि एक डिपेंडेंट सोर्स वाला केस है. अच्छा गाइस, जस्ट अगर आपने इफ यू वांट टू स्पीक अप, इफ यू वांट टू इंटरैक्ट, देन मोस्ट वेलकम टू अनम्यूट योर माइक, अदरवाइज कीप इट म्यूटेड. अच्छा, सो दिस केस इज बेसिकली दैट ऑफ ए डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स. ठीक है, तो उसमें सबसे पहले तो ये अप्रिशिएट करने की ज़रूरत है कि इट इज़ अ वोल्टेज सोर्स. ठीक है, बेशक यहाँ पे 3Vx की जगह अगर 3Ix भी लिखा होता तो इट इज़ स्टिल अ वोल्टेज सोर्स. यहाँ पे Ix का होने का मतलब ये नहीं है कि ये करंट सोर्स बन गया. वोल्टेज सोर्स क्यों है, क्योंकि यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है, सिंपल सी बात है. अगर एक डायमंड हो, डायमंड का मतलब डिपेंडेंट सोर्स, उसके अंदर एरो लगा हो जिस भी डायरेक्शन में, तो वो एक करंट सोर्स है. लेकिन प्लस माइनस एक पोलैरिटी है एंड दैट मेक्स इट अ वोल्टेज सोर्स. तो ये स्टूडेंट्स गलती करते हैं. यहाँ पे मिसाल के तौर पर अगर 3Ix लिखा होता, Ix कोई करंट होता कहीं भी इन द सर्किट, तो वो गलती ये करते हैं कि दे थिंक दिस इज बेसिकली ए करंट सोर्स. तो ऐसा नहीं है, दिस इज अ वोल्टेज सोर्स. ठीक है, तो बिकॉज दिस इज अ वोल्टेज सोर्स, वी कॉन्स्टिट्यूट अ सुपर नोड आउट ऑफ इट एंड वन ऑफ द इक्वेशंस दैट वी कैन गेट फ्रॉम दिस सुपर नोड इज V3 माइनस V4 इक्वल्स 3Vx. 3Vx इज बेसिकली द वैल्यू ऑफ द वोल्टेज सोर्स. ठीक है, अच्छा, अब
इस सर्किट को अगर हम देखें तो इसके अंदर फोर नोड्स हैं और हमें फोर इक्वेशंस भी मिल जाती हैं, ठीक है। दो सुपर नोड्स हैं तो दोनों सुपर नोड्स में से दो दो इक्वेशंस मिलती हैं हमें, ठीक है। लेकिन वी नीड टू इमीडिएटली रियलाइज के ये फिफ्थ वेरिएबल है एंड सबसे इसको एलिमिनेट करना सबसे आसान काम है। बाकी जब हम v1, v2, v3, v4 के टर्म्स में इक्वेशंस को लिख लेंगे चारों को, तो फिर हम देखेंगे कि अब कौन से वेरिएबल को एलिमिनेट करना सबसे ईजी है। लेकिन सबसे जो पहला काम है वो vx को एलिमिनेट करना है। अगर vx को हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे तो हमें अपने लिए परेशानी क्रिएट करेंगे, क्योंकि फिफ्थ इक्वेशन कहाँ से आनी है हम ये सोचेंगे और फिर एक प्रॉब्लम क्रिएट होगा। तो vx को राइट हेयर एंड राइट नाउ एलिमिनेट करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो जिस तरह से यहाँ पे vx डिनोटेड है, बड़ा सिंपल है, vx इज क्लियरली v1 माइनस v4, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसका जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो एक्चुअली v1 है। इट्स द सेम वोल्टेज, यानी द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ दिस रेजिस्टर, और इन अदर वर्ड्स द लेफ्ट टर्मिनल ऑफ दिस रेजिस्टर इज एट द सेम पोटेंशियल एज नोड 1 विद रिस्पेक्ट टू द रेफरेंस। सिमिलरली द राइट टर्मिनल ऑफ दिस रेजिस्टर इज एट द सेम पोटेंशियल एज v4 विद रिस्पेक्ट टू द रेफरेंस। Therefore, Vx is equal to V1 minus V4. And this value of Vx can simply be plugged into this equation in order to eliminate the variable Vx, ठीक है, because we don't want to carry it forward. ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे हुई भी है, ठीक है। 3 V1, Vx की जगह V1 minus V4. ठीक है, any questions here? IX या VX? दोबारा बता देता हूँ, देखें, the left terminal of the resistor, this one, is at the same potential as V1. इस नोड के ऊपर जो है, जो वोल्टेज है विद रिस्पेक्ट टू द रेफरेंस, वो है V1. दिस इज योर रेफरेंस, ठीक है। तो इस टर्मिनल के ऊपर, इस रेजिस्टर के इस टर्मिनल के ऊपर जो वोल्टेज है वो एक्चुअली V1 है विद रिस्पेक्ट टू द रेफरेंस। इसी तरह से इस टर्मिनल के ऊपर जो वोल्टेज है वो है V4, बिकॉज इट्स कनेक्टेड टू नोड 4, और इस नोड के ऊपर हमें पता है कि V4 है, एक पोटेंशियल V4 है विद रिस्पेक्ट टू द रेफरेंस, ठीक है। जब भी हम वोल्टेज की बात करते हैं ना, तो हमें रेफरेंस की लाजमी बात करनी पड़ती है, बिकॉज रेफरेंस के बगैर का मतलब ये है कि फिर वो वोल्टेज नहीं है। वोल्टेज का मतलब है पोटेंशियल डिफरेंस, डिफरेंस का मतलब है कि यू हैव टू हैव अ रेफरेंस सोर्स। अच्छा, बाय द वे, एम आई स्टिल ऑडिबल? बिकॉज इंटरनेट शायद चलाना गया हो। अच्छा, मेरा लाइट गई, तो बी रेडी फॉर अ शॉर्ट ग्लिच एनीवे, तो लेट्स जस्ट कंटिन्यू। तो बहरहाल ये तो एक पॉइंट ये हो गया कि वोल्टेज का मतलब है पोटेंशियल डिफरेंस। तो यू कैन से कि पोटेंशियल एट दिस पॉइंट इज V1, पोटेंशियल एट दिस पॉइंट इज V4। अब V1 विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस है, ठीक है, कोई मसला नहीं, V4 विद रिस्पेक्ट टू दैट सेम रेफरेंस होना चाहिए। ओनली देन कैन यू सब्ट्रैक्ट दीज टू, ठीक है, बिकॉज दे आर विद रिस्पेक्ट टू द सेम रेफरेंस इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द वोल्टेज Vx, ठीक है। तो होपफुली